सुना हो भोला कहिया मेटैबो पवन सिंह के दुख, कहिया करैबो तेसर शादी देबो जीवन में सुख। कहे चंदन मा करी बंदन मा कहिया देखबे भतीजबो के रूप। बाबा से मन्नत क्या मांगिएगा वहाँ पे? बाबा से मन्नत यही मांगेगा कि पवन भैया को जो जल्दी से जल्दी इस सावन में शादी हो जाए। और भैया पवन सिंह के दुख देखी के धड़कन जाए है रूप। हर हर महादेव बोल रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कमरिया पथ पे जो बोल रहे हैं पैदल यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा में किस प्रकार बम लोग चल रहे हैं वो चीज़ हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कमरिया पथ पे आ जा रहे हैं। ये है जिलोबिया मोड़ से आगे, उस सुइया से बीच, इस रास्ते में देख रहे हैं कमरिया पथ दंडवत देते हुए जा रहे हैं। इसमें पवन सिंह का फोटो लगा हुआ है। तो बम जी एक मिनट रुकिएगा, तो बात करना है आपसे। तो देख लीजिए बम भाई, यानी पवन सिंह का फोटो लगाए क्या लगा के रखे हैं क्या? आप पवन सिंह का फैन है आप? हाँ जी। किस लिए जा रहे हैं पवन सिंह का फोटो लगा के? अच्छा, जा रहे हैं बाबा से मांगने के लिए कि पवन भैया का, पवन सिंह का शादी हो जाए, इसलिए हम दंड देते हुए जा रहे हैं। दंड देते हुए जा रहे हैं। पवन भैया का फैन है क्या? आप चाहते हैं पवन भैया का शादी हो जाए, इसलिए पवन भैया का फोटो लटका के चल रहे हैं। बाबा से मन्नत क्या मांगिएगा वहाँ पे? बाबा से मन्नत यही मांगेंगे कि पवन भैया को जो जल्दी से जल्दी इस सावन में शादी हो जाए। तो भैया आप ये बताइए, पवन सिंह का तो बहुत बड़ा फैन है जो कि फोटो लगा के चल रहे हैं कांवर रास्ते में, पहली बार आपको देखा इस तरह का फोटो लगा के जा रहे हैं, तो उसको बीवी किस तरह चाहिए? अच्छा, पवन सिंह मतलब पवन भैया का बीवी मतलब देखिए, गोरी हो या काली मगर दिलवाली होके चाहिए। यानी दिलवाली होना चाहिए। हाँ, तो काला गोला से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, सिर्फ दिल मन उसका सुंदर होना चाहिए। तो इस तरह का जो है पवन भैया का बीवी मिले, जितने भी उनका ऑडियंस है, जितने भी उनका फैन है, वो सब जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पवन भैया कब शादी करेंगे। और भी महादेव से क्या कहना है आपको, क्योंकि जो कि दंडवत देते हुए जा रहे हैं पवन सिंह का फोटो लगा के। तो भैया आप ये भी बताइए, गाना वगैरह भी गाते हैं पवन सिंह का? हाँ गाते हैं, गाना गाते हैं, थोड़ा गाना गा के तो सुनाइए थोड़ा। अच्छा, सुना हो भोला कहिया मेटैबो पवन सिंह के दुख, कहिया करैबो तेसर शादी देबो जीवन में सुख। सुना हो भोला कहिया मेटैबो पवन सिंह के दुख, कहिया करैबो तेसर शादी देबो जीवन में सुख। कहे चंदन मा करी बंदन मा कहिया देखबे भतीजबो के रूप। भैया पवन सिंह के दुख देखी के धड़कन जा है रूप। भैया पवन सिंह के दुख देखी के धड़कन जा है रूप। आप कहाँ से आए हैं? या हम बेगूसराय से आए हैं। और सुनाइए दूसरा। भाभी के खातिर करब हम तो हर तपस्याए भोला, यह सबनवा में सुना पवन के समस्याए भोला। भाभी के खातिर करब हम तो हर तपस्याए भोला, यह सबनवा में हरा पवन के समस्याए भोला। गोरी या काली होखे दिल वाली भाभी चाहिए अनुरूप। भैया पवन सिंह के दुख देखी के धड़कन जा है रूप। भैया पवन सिंह के दुख देखी के धड़कन जा है रूप। भैया पवन माँ के जल्दी से घर बसा बाहो भोला, देखे भतीजबा हो हमरा के चाचा बना बाहो भोला। भैया पवन माँ के जल्दी से घर बसा बाहो भोला, देखे भतीजबा हो हमरा के चाचा बना बाहो भोला। चारो संवार जल्दे बढ़ार कर भो न कोनो चूक, भैया पवन सिंह के दुख देखी के धड़कन जा है रूप। बाबा भैया पवन सिंह के दुख देखी के धड़कन जा है रुक, यह सबर में पार लगा दियो बाबा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा कि पवन सिंह तक पहुंचना चाहिए, जो कि उनका भक्त है, जो कि कांवर रोड में दंडवत देते हुए जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ के पास। उद्धव ने से जल उठा कि बाबा भोलेनाथ के पास जा रहे हैं कि पवन भैया का शादी हो जाए। इस वीडियो को इतना से इतना शेयर कीजिएगा कि पवन भैया के पास पहुंचना चाहिए इस भाई को। जय, आप देख रहे थे यहाँ पे कांवरिया बंधु आ जा रहे हैं। ये है जिलोबिया मोड़ से आगे, उस सुइया से बीच, इस रास्ते में भैया मिले थे और भैया से बात किए, बहुत अच्छा लगा। और वीडियो को करते हैं यहीं पे अंत। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।